हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रुचि। एक लड़के ने एक बहुत धनी आदमी को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। कई दिन वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमा लिए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई। अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन से कमाई धमाई छोड़कर पढ़ने में लग गया। अभी अक्षर अभ्यास ही सीख पाया था कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हुई। अब उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, अतः वह उस दिन से पढ़ाई बंद करके संगीत सीखने लगा। कुछ दिन बाद यह भी छोड़कर वह नेतागिरी करने लगा। काफ़ी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान, न संगीत सीख पाया और न ही नेता बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हुई। उसने उसे अपने दुख का कारण बताया। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा दुनिया बड़ी चिकनी है, जहाँ जाओगे कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हारी उन्नति अवश्य हो जाएगी। बार बार रुचि बदलने रहने से कोई भी उन्नति ना कर पाओगे। युवक समझ गया और अपना एक उद्देश्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।